वेलकम गाइस, वेलकम टू आशु व्यास फिटनेस। यह है आशु व्यास फिटनेस और मैं हूं आशु व्यास, आपका दोस्त। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है, जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सभी के साथ ये समस्या है, सभी के दिमाग में ये चीज़ है, सभी ये करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, कुछ प्रयास करके हार जाते हैं, कुछ प्रयास ही नहीं करते हैं, वो जो चीज है वो ये है, आपकी पेट की चर्बी कम कैसे हो, हाउ टू लूज योर बैली फैट। पेट की चर्बी सभी लोग कम करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। मोटापा एक बहुत ही बड़ी बीमारी होती है। अगर आपको पेट की चर्बी करना है कम, तो सबसे पहले आपको आपके दिमाग में ये थिंकिंग रखना पड़ेगी कि हम एक बीमारी लेके घूम रहे हैं। मोटापे के साथ एडजस्ट मत कीजिए, उसे एक बीमारी समझिए, उसे एक रोग समझिए और अपने शरीर से बाहर करने की कोशिश कीजिए। और ये चीज़ इस थिंकिंग को अपने माइंड में रखिए कि ये मोटापा है, ये बीमारी है, मुझे अपने शरीर से अलग करना है। कई लोग क्या करते हैं, मोटापे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं कि यार हमारी तो डेली रूटीन ही, हमारा तो सिटिंग जॉब है, हमारी तो फैमिली की जेनेटिक्स ऐसे हैं, या फिर मेरी तो अब शादी हो गई है, मैं अब मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मुझे जॉब से टाइम नहीं मिल पाता, मुझे बिजनेस से टाइम नहीं मिल पाता है, फलाना फलाना फलाना, ऐसे बहुत सारे रीजंस लोग बना लेते हैं और मोटापे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, उसे अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लेते हैं कि हाँ मैं मोटा हूँ। कुछ लोग ये भी होते हैं कि भाई हमारे तो घर में सभी मोटे हैं, कहते हैं कि घर के बाहर ओटला होना चाहिए, और ऐसी थिंकिंग रख के लोग मोटापे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप मोटापे से नफरत नहीं करेंगे, अपने शरीर में जमी हुई चर्बी से नफरत नहीं करेंगे, तब तक आप उसे कम नहीं कर पाएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। आप जिम चले जाएं, आप योगा क्लास चले जाएं, आप रनिंग करने चले जाएं, आप सुबह शाम वॉकिंग करने चले जाएं, आप स्विमिंग करने चले जाएं, लेकिन कोई भी चीज आपका जो फैट है, जो चर्बी है, जो तोंद है, उसको कम तब तक नहीं कर पाएगी जब तक आपकी मेंटली थिंकिंग नहीं होगी कि ये बहुत ही गलत चीज है जो मेरे शरीर में है, मैं बहुत ही भद्दा लग रहा हूँ, मैं बहुत ही गंदा लग रहा हूँ। जब तक ये थिंकिंग आपके अंदर नहीं रहेगी, तब तक आप उसे कम नहीं कर पाएंगे। और मैं ये भी बताता हूँ, इस चीज का भी रीजन बताता हूँ कि ये थिंकिंग आपको क्यों रखना है। ये थिंकिंग आपको इसलिए रखना पड़ेगी क्योंकि कोई भी इंसान के साथ में सबसे ज्यादा वो खुद रहता है। जैसे मैं हूं तो मैं अपने साथ मैं ही रहता हूं पूरे टाइम, और कोई भी मेरे साथ पूरे समय नहीं रहता। तो जब मैं रहूंगा अपने साथ और मैं ही अपने आप को नेगेटिव फील करूंगा कि हाँ यार मेरी फिटनेस अच्छी नहीं है, मेरी पेट पे चर्बी जमा हुई है और मेरी फिटनेस बिल्कुल अच्छी नहीं, मैं कुछ भी पहन लूं मैं अच्छा नहीं लगता हूं, या मैं ओवर ईटिंग करता हूं, यार मेरे शरीर बेडोल है, तब ये चीज मेरे दिमाग में घूमती रहेगी और मैं वो जो गंदी हरकतें होती हैं जिनके कारण ये चर्बी बढ़ी है, मोटापा बढ़ा है, मैं उन हरकतों से दूर होने की कोशिश करूंगा। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिक रीजन मैंने आपको बताया। बाकी तो हम जो साइंटिफिक रीजन जो है कि भाई मोटापा चर्बी कैसे कम होती है, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखें कि अपने को ये करना है। हाँ, अब आए हम इस पे कि पेट की चर्बी कम कैसे की जाए। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मोटापा या पेट बढ़ना या पेट की चर्बी बढ़ना, इसका केवल एक रीजन होता है, वो होता है खाना। खाना यानी कि गलत खाना, गलत समय पर खाना, गलत क्वांटिटी में खाना। केवल वेट या चर्बी इसी के कारण बढ़ती है और कोई रीजन नहीं होता। आप चाहे कोई भी रीजन बना ले अपने मन से कि भाई मेरी सिटिंग जॉब है, या मैं वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ, या मेरे जेनेटिक्स खराब है, मेरे तो परिवार में मेरे पिताजी मोटे थे, मेरी मम्मी मोटी थी, ये सारी चीजें फालतू है। वेट गेन या चर्बी जो होती है, फैट गेन, ये केवल खाने से होता है, गलत चीजें खाने से होता है, गलत समय पे खाने से होता है, गलत क्वांटिटी में खाने से होता है। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूं कि भाई चर्बी कैसे कम करना है, हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है और इन्हीं से हमारे पेट की चर्बी कम हो जाएगी। हाँ, वर्कआउट अपनी जगह है, आप वर्कआउट करें। देखिए, वर्कआउट के आप किसी भी फॉर्म पे चले जाएं, आप योगा करें, आप वॉकिंग करें, आप रनिंग करें, आप स्विमिंग करें या आप जिमिंग करें, ये सारे इसमें काम आएंगे, लेकिन वो तब काम आएंगे जब आप आपकी डाइट जो प्रॉपर आपको चीजें खाना है सही समय पे सही क्वांटिटी में आप खाएंगे, तभी वो जाके ये सारी चीजें, सारी एक्सरसाइज भी रिजल्ट दिखा पाएगी, उसके बिना रिजल्ट नहीं दिखा पाएगी।
इसलिए ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि मैं अगर अभी यहाँ जिमिंग एक्सरसाइज की बात करने लगूंगा तो लोग बोलेंगे कि अरे यार ये तो जिम की एक्सरसाइज बताने लगे, हम तो जिम जा ही नहीं पाते। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जिम जाए या ना जाए, आप घर पे ही रहें, लेकिन आप खाने की जो अपनी आदतें हैं, पूरी जो आदतें हैं, उन आदतों को बदलें। वो कैसे बदलें वो मैं बताता हूँ आपको कि आप क्या खाते हैं, क्या गलत खाते हैं, ये भी मैं बताता हूँ आपको। लेकिन ये चीज दिमाग में रखें आप कि अगर हमें लॉस करना है बेली फैट, जो भी चर्बी है हमारी गंदी बड़ी हुई तोंद है, अगर उसको हमको खत्म करना है तो सबसे पहले हमको हमारे खाने पे ध्यान देना है, हमारे फूड पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हमें क्या ध्यान देना है, क्या ऐसी चीजें होती हैं जिनके कारण कि हमारी चर्बी जो होती है, पेट की चर्बी जो बढ़ जाती है, और वो कम कैसे होती है वो भी बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल में इंडियन गाइस की बात करें, हम इंडियन ही है, भारतीय है, भारतीयों में खाने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है कि भाई खाना मतलब बहुत बढ़िया चीज है, और लोग कहते हैं कि भाई कमाते ही खाने के लिए है, तो खाना मिल जाता है तो लोग सोचते हैं कि अरे यार हमको तो स्वर्ग मिल गया। ठीक है, वो स्वर्ग मिला, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेगा इसकी, आपका जो शरीर है उसको एनर्जी के लिए जितना फूड चाहिए रहता है और जो चीजें चाहिए रहती है, वही वो एनर्जी के लिए वही उसी फूड को वो एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर एब्जॉर्व करता है, और बाकी जो भी आप अटरम सटरम खा लेते हैं उसकी वो चर्बी बना देता है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि सीधी सी बात है, एक गाड़ी बनी हुई है पेट्रोल से चलने के लिए, आप उसमें डीजल डालेंगे तो वो नहीं चलेगी, वो खराब पड़ जाएगी और वो डीजल भी उसमें पड़ा हुआ रह जाएगा, वो यूज नहीं कर पाएगा। यही हमारे शरीर का काम होता है कि शरीर की जो नीड्स होती है, अगर आप वही फूड खाएंगे तो वो उसको एब्जॉर्व करेगा, आप स्वस्थ भी रहेंगे और आप मोटे भी नहीं होंगे। लेकिन आप अटरम सटरम कुछ भी खा जाएंगे, आप केवल जीभ के स्वाद के लिए खाना खाएंगे तो आप हमेशा अनफिट रहेंगे। तो ये चीज है कि अगर आपको फिट होना है, पेट की चर्बी करना है तो कम करना है, तो आपको अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना है। जीभ पर कंट्रोल यानी कि हमें ज्यादा तला हुआ खाना नहीं खाना है, ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना है, ज्यादा मीठा भी नहीं खाना है, ज्यादा नमकीन भी नहीं खाना है। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखना है, तब जाके आपका जो पेट है वो कम हो पाएगा। कंट्रोल तो बहुत करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी साथ में करना पड़ेगी, तब जाके ये चर्बी घटेगी। क्योंकि देखिए वेट, मैं आज 20-21 साल से जिमिंग कर रहा हूँ, मैंने देखा है वेट गेन करना या चर्बी गेन करना बहुत आसान है, लेकिन इसको घटाना लोहे के चने हैं, हर कोई नहीं चबा पाता। यही कारण होता है कि लोग बड़े बड़े पेट तोंद लेके चर्बी लेके घूमते हैं। तो सबसे पहले तो अपने खाने पीने की आदत बदलिए, सही खाना खाइए और सही समय पे खाइए। सही समय मैं आपको बताता हूँ खाने का क्या होता है। नॉर्मल इंडियंस जो होते हैं वो दो बार खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता किया तो किया, नहीं तो वो तो दिन में 12-1 बजे 2 बजे लंच करते हैं और रात में 10-11 बजे डिनर करते हैं। नहीं, ये बात गलत है। आपके आपका जो फूड होता है वो आपकी बॉडी का फ्यूल होता है, बॉडी का पेट्रोल होता है, डीजल होता है, जो शरीर को चलाने के काम आता है। तो जब आप वर्किंग आवर्स में होते हैं, आप काम करते हैं उस दौरान, जैसे आप 8-10 घंटे काम कर रहे हैं, उस दौरान आपको आपका फूड लेना है, भले उसमें आप 2 बार खा लें या 3 बार खा लें। जैसे कि आप अगर बैठ के 6 रोटी एक बार में खाते हैं तो उसको डिवाइड कीजिए 3 बार में, कि आपको हर 2 घंटे में 2-2 रोटी खाना है, तब जाके वो फैट नहीं बनेगा और वो जो फूड आप ले रहे हैं वो एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और रात में कम से कम कोशिश कीजिए कि 8 बजे खाना खा लें, रात का जो डिनर होता है। और अगर नहीं खा पाते हैं कोई बात नहीं है, आप 10 बजे खाते हैं, 11 बजे खाते हैं, लेकिन आप जब भी खाते हैं खाना उसके बाद आपको 1 घंटे तक वेकअप रहना है, सोना नहीं। लोग क्या करते हैं कि इधर खाना खाया और उधर बेड पर सो जाते हैं, ये बात गलत है। इसके कारण भी पेट की चर्बी बढ़ती है। आप नियमित रूप से संतुलित आहार भोजन लेंगे और सही समय पे लेंगे तो आपकी पेट की चर्बी कम हो जाएगी। तो पेट की चर्बी जो है वो इन्हीं आदतों से इजीली कम हो जाती है, बिना जिमिंग के, बिना किसी एक्सरसाइज के। इसलिए ये जो चीजें मैंने बताई इसको आप अपने दिमाग में रखिए और इसको अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा स्टॉप करते इसको, इतना सा काटना है। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलत चीजें होती हैं जो हमें नहीं खाना है, और क्या अच्छी चीजें हैं जो हमें खाना है, जिसके कारण कि हमारी पेट की चर्बी कम हो जाएगी, हमारा वेट लॉस होगा। अगर इसी वीडियो में हम ज़्यादा मैं डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आधे से ज़्यादा लोग तो इस वीडियो को देखेंगे। तो ठीक है गाइस, अभी जितनी चीज़ें मैंने बताई इसे फॉलो कीजिए और रिजल्ट देखिए। मैं आगे भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, और भी मेरे फिटनेस टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हम और आप आगे भी जुड़े रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई एम आशीर्वाद साइनिंग ऑफ।